नमस्कार दोस्तों, देवघर एयरपोर्ट से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट आया है, क्योंकि देवघर एयरपोर्ट लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब देवघर एयरपोर्ट से पहली उड़ान बहुत ही जल्द भरने वाली है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं देवघर एयरपोर्ट से जुड़ी अपडेट लाते रहते हैं। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके क्या कहा है, चलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देवघर एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ की उड़ान भरने के दिन का इंतजार करने वाले लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। 5 दिसंबर तक यह तय हो जाएगा कि देवघर एयरपोर्ट के यात्रियों को लेकर पहला विमान कब उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विमानों को तेल आपूर्ति की जिम्मेदारी इंडियन ऑयल को सौंप दी गई है, जो कि एयरपोर्ट पर जैक फ्यूज लगाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उद्घाटन की तिथि तय करने से पहले एयरपोर्ट से जुड़ी मशीनों को निरीक्षण किया जा रहा है। अब विमान के रूट तय हो रहे हैं, सब कुछ यह होते ही आम जनता को एयरपोर्ट अथॉरिटी यह बता देगी कि देवघर से पहली उड़ान कब होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में उद्घाटन की तिथि तय हो जाएगी। एयरपोर्ट में अब सुरक्षा के लिए पुलिस पदाधिकारी एवं सुरक्षा बल को रांची एयरपोर्ट पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वह भी अब देवघर लौटने वाले हैं। टर्मिनल के अंदर का काम सारा पूरा हो चुका है। पार्किंग एरिया से टर्मिनल तक आने वाले रास्ते को ग्रास यानी घास से अच्छी तरह से और छोटे छोटे पौधे से सजाया जा रहा है। यदि हमारे जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।